अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से छोटा सा शॉपिंग ब्लॉग शेयर करूंगी जो कि है शिवराती शॉपिंग ब्लॉग फॉर माय भाभी। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को वीडियो और ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं गई थी जी कॉस्मेटिक शॉप पर, जहाँ से मैंने कुछ अपने लिए बाय करना था। सबसे पहले मैंने वहाँ से बाय की थी कुछ लैशेज जो कि बहुत ही नेचुरल एंड लाइट वेट लैशेज थी। ये वाली कुछ लैशेज़ मैंने बाय की थी डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और नेचुरल लुक देती हैं हमें। अच्छा, जिसके बाद हमने की थी कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग, अपने लिए भी की थी मैंने और कुछ अपनी भाभी के लिए। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि पहले आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो यहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह बाय की थी, रिंग्स, इयर रिंग्स, जो कि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ दिखाऊँगी और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। एंड इस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बैग्स वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, एक ही शॉप से काफ़ी कुछ मिल रहा था। सो यहाँ से मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स जब बाय किया था, तो फेस वॉशेस वगैरह अपने लिए कुछ लेने थे, कुछ स्किन केयर की चीज़ें, जो कि अपने चैनल पे मैं वीडियोस आगे रिव्यू वगैरह उनका शेयर करूँगी। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग ने रिव्यूज़ वॉच करने हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज थी फेशियल किट और बहुत ज़्यादा, जो कि ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। एंड यहाँ से मैंने कुछ बाय करनी थी अपने लिए कुछ लेसेस, एंड अपने भांजे को साथ लेकर आई थी, तो उनकी भी साथ साथ शॉपिंग करनी थी एंड में बलून्स वगैरह। तो भाई यहाँ पे हमारी हो गई थी वो शॉपिंग कम्प्लीट। ड्रेसेस वगैरह हमने एक दिन पहले ही बाय कर लिए थे दूसरी जगह से। एंड अगर आप लोग रहते इस्लामपुरे में या अगर आप लोग रहते हैं रहमानपुरे में, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर दैट्स इट की चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। शॉपिंग के बाद हमने ये खाया था जो कि 5 मिनट में बिल्कुल फिनिश हो गया था। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, घर आके फ्री होकर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने अपना ड्रेस वगैरह निकाला था, एंड ये ड्रेस है जो कि मैं आज वेयर कर रही हूँ। एंड आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मैं पहन के आप लोगों को इसकी लुक भी शेयर करूँगी। इस तरह से कुछ स्टिच करवाया था ये मैंने, एंड इसके साथ सारी स्लीपर्स वगैरह निकाल लिए थे, बट मैंने ये नहीं पहनी थी, ये वाली सैंडल्स मैंने इसके साथ नहीं पहनी थी, निकाली थी बट ये ख़राब हो गई थी। एंड ज्वेलरी, अपना बैग, कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। ओके जी, तो अब मैं हो रही हूँ तैयार। जब तक मैं हो रही हूँ तैयार, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो आज मैंने यूज़ की थी सारी काशिस की कॉस्मेटिक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनका रिव्यू भी मैंने आप लोगों को पहले शेयर किया हुआ है, अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हर चीज़ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर किया होता है। सो फ्रेंड जी, पहनने के बाद ये मुझे इस तरह का इस ड्रेस ने लुक दिया था। ये वीडियो है कुछ पहले की, जो कि मैंने अपने कॉलेज में फन फेयर में वेयर किया था ये ड्रेस। तो आप लोग बताइएगा आपको लुक कैसी लगी। अच्छा जी, ये ज्वेलरी कुछ हमने बाय की थी, एंड प्लीज़ से माशाल्लाह एंड बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। दो ड्रेसेस के साथ मैचिंग की हमने ये ज्वेलरी बाय की थी, एक ब्लैक की थी और एक ऑरेंज कलर का ड्रेस था, बट उसके साथ हमने ये वाइट सी, क्योंकि ये उसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये चीज़ें मैंने बाय की थी लाइट लाइट सी, सिंपल सिंपल सी, जो कि यूज़ भी हो और पहनी भी जाए। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ निगलेक्ट कीजिएगा, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है व्लॉग बनाने का, क्योंकि शोर की वजह से वो बनाया ही नहीं जाता है। बहुत मुश्किल से मैं वीडियोस में जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा जी, जो मैंने ड्रेसेस बाय किए थे पहले ही हम लोगों ने बाय कर लिए थे, वो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। इस तरह का सिंपल सा ड्रेस बाय किया था इवेंट के हिसाब से, जो कि पहना भी जाए, एक इस तरह का बाय किया था। बाकी एक थोड़ा सा फैंसी ले लिया था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, अच्छा वो भी काफ़ी था, नॉर्मल सा ड्रेस था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं, आज की वीडियो कैसी लगी, आज का व्लॉग कैसा लगा, एंड जो मैंने चीज़ें बाय की हैं, शॉपिंग की है, आप लोगों को कैसी लगी है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए आगे भी व्लॉग्स वगैरह शेयर करूँ। एंड ये मेरी मामा ने बनाया था हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, अगर आप लोगों ने भी खाना है तो खा सकते हैं। सो भैया, यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई थी कंप्लीट और हम बिल्कुल जाने लगे थे, रेडी हो गए थे। एंड मैं स्लीपर्स मैंने चेंज कर ली थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं नहीं चेंज कर सकी थी। एंड अब मैंने ड्रेसेस को इसके अंदर पैक कर लिया था, सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अब हम लोग बिल्कुल जाने लगे हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। आज की मेरी वीडियो कुछ डिफरेंट थी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।